दसवीं तक मैरिज शिक्षा उनको दी और उसके बाद शादी कर लेते थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा मैं योगदान करूँगी। आज जो भी मैं इस पद पर हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। उनका यही सपना था कि अपनी बेटी को हमने ये परंपरा में नहीं रखना कि दसवीं तक पढ़ाना और शादी करना। वो जो है शहर में निकले और मुझे शिक्षा दिलवाई और मैंने एज प्राध्यापिका जो है, क्योंकि मेरा सपना यही था कहीं मैंने एक शिक्षिका ही बनना और आगे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी है। इनिशियली व्हेन यू आर इन स्टूडेंट फेज जो आप पढ़ रहे होते हो तब यू गेट एस्पायर्ड बाय द पीपल यू मेट, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो जब मैं पढ़ रही थी हमारे टाइम पे दीदी एसडीएम जो थे हमारे स्कूल में एक बार उन्होंने विजिट किया एंड द काइंड ऑफ मोटिवेशंस उनकी तरफ से रही, तो समहाउ मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जो है एन नंबर ऑफ पीपल तक यू कैन रीच, आप जो अपनी बात कहना चाहते हो आपका इन्फ्लुएंस दैट कैन बी फार रीचिंग, यू कैन इम्पैक्ट पीपल, यू नो यू कैन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। दैट मेड मी थिंक कि यस इफ ही कैन डू आई कैन आल्सो डू। जब मैं कॉलेज में थी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो उस टाइम हमारे को फील्ड विजिट के लिए लेके जाते थे और वहाँ पे CDPO से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता लगा कि वो जो एक नीली जीप है वो उसमें आती हैं और तब से मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि मैं यही जॉब करूँगी और उसी के लिए जो मैंने अपना जो मास्टर्स का था वो चाइल्ड डेवलपमेंट में इसको सेलेक्ट किया और मेरा एक ड्रीम कम ट्रू हुआ कि मैं एज ए CDPO मैंने उसमें ज्वाइन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं महिला और बच्चों के लिए काम करती हूँ। हिंड्रेंसेस जो है सबसे पहले हमारे सेल्फ क्रिएटेड है। मैं अगर खुद ही ये सोचूंगी कि आई एम फीमेल और मेरे को ये इश्यूज रहेंगे देन डेफिनेटली जो है मैं कहीं ना कहीं आई विल बी लेस कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले जो है हमें अपना माइंडसेट बनाना है कि नो वी आर नॉट एट ऑल लेसर देन एनी अदर ऑफिसर, वी आर एज गुड एज कॉम्पिटेंट एज ऑल ऑफिसर्स। वो मुझे लगता है कि सिर्फ माइंडसेट है। वंस यू चेंज दैट माइंडसेट अपना और अपने आसपास के लोगों का एंड तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। थिंग्स फॉल इन प्लेस फॉर यू एंड बीइंग अ फीमेल ऑफिसर हमेशा यस यू हैव टू बी मोर फर्म एज कंपेयर टू योर मेल काउंटर पार्ट्स, पर एट द एंड ऑफ द डे आपका काम आपके लिए बोलता है एंड व्हेन यू वर्क हार्ड व्हेन यू वर्क विद डेडिकेशन इट शोज ऑफ और हिंड्रेंसेज हमेशा अपना रास्ता आपका रास्ता खुद छोड़ देते हैं एंड यू मेक योर वे थ्रू। बीइंग ए फीमेल ऑफिसर वो अपना काम इंस्टीट्यूट ढंग से नहीं कर पाएगी, उसमें वो स्किल्स नहीं होंगी, वो कैपेसिटी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने रात को जाके भी चाइल्ड रेस्क्यू किए हैं। चाइल्ड मैरिज का केस अभी हमारे पास एक आया था, वो हमने रेस्क्यू किया। मिडनाइट हो गई थी मुझे अपने घर पर पहुँचते। तो यही वो स्टीरियोटाइप है जो मैंने ब्रेक किए हैं। तो सब लड़कियों के साथ होता है, मेरे साथ भी वही चीज़ थी, स्टीरियोटाइप्स इन द सोसाइटी। लड़की है बाहर नहीं पढ़ने भेजना, कैसे जाएगी बाहर कैसे रहेगी। तो गांव के लोग हैं, रिश्तेदार थे, सब बहुत बोलते थे कि नहीं कैसे रहेगी कैसे करेगी। तो जब मैं दिल्ली गई पढ़ने के लिए तब भी मेरे घर वालों को बहुत बोला लोगों ने कि बाहर नहीं रह पाएगी, ऐसे मत जाने दो लड़की को बाहर। बट मेरे परिवार को मेरे पेरेंट्स को हमेशा पूरा ट्रस्ट था, पूरा फेथ था मेरे ऊपर और उनका एक सपना था कि हाँ ये करे। और उस सपने के लिए मेरे को पता था, आई न्यू कि मुझे ये करना ही है। लोग कुछ भी कहें, कोई भी स्टीरियोटाइप मेरे सामने नहीं आ सकता था। देयर आर फ्यू स्फीयर्स जिनमें ये माना जाता है कि वो मेल डोमिनेटिंग स्फीयर्स हैं, लाइक रनिंग अ शुगर मिल। आई यूज टू बी MD शुगर मिल एंड आई रिमेंड देयर फॉर अराउंड 7 years एंड आई वर्क्ड इन शुगर मिल्स फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम। और पीठ पीछे ये ज़रूर कहा जाता था कि महिलाएं हैं और महिलाएं किस तरह से शुगर मिल को चलाएंगी। लेकिन जब काम करना शुरू किया और जो रिजल्ट्स आए तो दिस इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि वो रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स थे और इतने अच्छे रिजल्ट्स उसके रहे कि शुगर मिल्स जो कि घाटे में चल रही थी उनको 25-25, 30-30 करोड़ का बेनिफिट हुआ है।
फीमेल्स आर मोर कैपेबल देन पीपल थिंक. सो फीमेल्स आर वन स्पीशीज विच कैन डू एनी पॉसिबल थिंग ऑन दिस अर्थ एंड कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल. ऑफ कोर्स यू नीड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस विच ऑलवेज कम फॉलोइंग फॉर यू. Even otherwise, if the woman is not a working woman, even then she needs support to take care of the home. And being working woman, अगर आप थोड़ा सा support किसी का लेके अपना work life, work और personal life का balance बना पा रहे हैं तो it always good. ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे सामने कि जो है मैं बच्चे को भी साथ में देखभाल करना, घर भी संभालना, घर के काम भी करना, जो रूटीन वर्क है, और ऑफिस भी संभालना. और लेकिन मैं आज बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकती हूँ, मैंने बहुत बढ़िया बैलेंस किया. और मैं सभी महिलाओं को जो घर में बहू लाती हैं या इस तरह थोड़ा सा एक ये संदेश जरूर देना चाहूँगी, आप ये चाहते हैं हमारे बहू आए या लड़का ये चाहता है जो पत्नी आए काम करे, जॉब करे, सैलरी आए, और लेकिन थोड़ा सा उनका ये कर्तव्य भी बनता है कि थोड़ा सा घर के काम में भी अगर वो सहयोग दे तो बहुत अच्छी जो है जीवन की गाड़ी चल सकती है. आई फील मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. मेरी माँ जो है, जैसे सबकी माँ होती है, हमेशा ये कोशिश किया कि जो बेस्ट है वो मुझे मिले. और पापा तो हमेशा बहुत प्राउड फील करते थे मेरे लिए और हमेशा मेरी पढ़ाई में हेल्प करना या किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत हो तो वो मुझे ला के देना. तो जब पापा के उस प्राइड से मुझे शायद पावर मिलती है, आई डिराइव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम. मुझे लगता है कि बस आज मम्मी पापा मेरे लिए बहुत प्राउड हैं तो मुझे कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए अच्छा करना है, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करना है. नारी का सम्मान करो, नारी को आगे बढ़ने का मौका दो ताकि डर ना रहे नारी के मन में अपने अस्तित्व को लेकर, ताकि नारी भी जी सके अपनी जिंदगी जी भर. अगर लड़कियों को जब भी उनको मौका मिला है तो उन्होंने अपने सपनों की उड़ान को भरते हुए उस चीज को मुकाम तक हासिल किया है. मैं ये लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं ये लड़की हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगी. हमें काम करना चाहिए. हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर फेथ रखें, अपनी सोसाइटी के लिए काम करने का. वुमेन मेक हाफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड. यू आर अ वुमन, दिस इज नॉट अ वीकनेस, दिस इज योर पावर. विन द वर्ल्ड विद योर हार्ड वर्क, योर कॉन्फिडेंस, योर पॉजिटिविटी एंड योर ब्यूटिफुल स्माइल. यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झज्जर जिले की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आज इस नए दौर के अंदर महिलाओं को पुरुषों के बराबर योगदान है. प्रशासन में ऐसा कोई स्तर नहीं है जहां पर महिलाएं अपना योगदान ना दे रही हैं. इस जिले के अंदर भी HCS से लेके और नीचे हर पद पर बहुत महिलाएं हैं जो पूरी मेहनत कर्मठता से अपना फर्ज निभा रही है.